अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मटन सूखे खीमे की रेसिपी, जो आप मेरे तरीके से बनाई है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। अगर आप मटन खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही सही है। यहाँ पे हम एक बर्तन में 3 से 4 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को अब हम अच्छे से गर्म होने के लिए देंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे। लौंग, काली मिरी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता डाल देंगे। और उसके बाद हम एक बड़ी प्याज डाल देंगे कट करी हुई, और उसे हम लाल होने के लिए देंगे। प्याज को हम लाल होने के लिए देंगे। प्याज लाल हो रही है जब तक हम यहाँ पे मसाला रेडी कर लेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे एक प्याज ले लेंगे, थोड़ी हरी धनिया, 3 से 4 हरी मिर्ची और 2 टमाटर को हम पीस के ले लेंगे। ये देखिए प्याज जो है हल्की लाल हो गई है। अब इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसे हम प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की महक ना आए। देखिए अदरक लहसुन जो अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम ये मटन कीमा डाल देंगे। ये 1/2 किलो मटन कीमा है और ये बारीक कीमा है। अब इसे हम ये अदरक लहसुन में अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। कीमा जो है पानी छोड़ने लग जाता है तो इसे हम इसका पानी ये पूरा सुखा के ले लेंगे इसी में। ये देखिए खीमे का पानी जो है अब सूख गया है। अब इसमें हम ये जो हमने मसाला पीसे थे ये डाल देंगे। अब ये मसाले को जो है खीमे में हम अच्छे से भून के ले लेंगे। ये देखिए मसाला जो है खीमे में अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब नमक भी डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1 चम्मच जीरा पाउडर भी डाल देंगे। अब इन सबको खीमे के साथ अच्छे से भून के ले लेंगे। जब भी हम मटन या चिकन बनाते हैं तो मसाला बहुत ही अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है ताकि इसमें जो मसाले की महक है वो आनी नहीं चाहिए। खीमे को अच्छे से भूनने के बाद इसमें हम 1/2 गिलास पानी डाल देंगे। और इसे हम 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पका के लेंगे ताकि खीमा जो अच्छे से गल जाए और अच्छे से पक जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ये बारीक खीमा है तो ये जल्दी से गल जाएगा। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा खीमा रेडी है। इसका सारा पानी सूख चुका है। अब इसे हम 1 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से भून के ले लेंगे। ये देखिए खीमा जो है बहुत ही अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्ची डाल देंगे और खूब सारी हरी धनिया डाल देंगे। खीमे में हरी धनिया का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे और गैस को हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सूखा खीमा रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इसे आप रोटी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है। और अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे शॉर्ट वीडियो को भी लाइक कीजिए। मेरे शॉर्ट वीडियो जो है डेली आते हैं इसी चैनल पर।
उसे भी आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अल्लाह हाफिज़।